अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जनाब अलहाज मतलब अली साहब का कब्र की तैयारी जो है राम कपूर के सरजमीन में हो रही है। उनके खिदमात महंगा इलाके में जो जंगल को मंगल किए हैं, बहुत सारा खिदमात अंजाम दिए हैं, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे थाने का हो, जिसका भी हो, तमामों का खिदमत अंजाम दिए हैं जनाब मतलब अली साहब। हम लोग का भी उसको मुड़ा में है, अब उनकी लाश आने वाली है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मतलब अली साहब का बहुत खिदमात है इस महंगे इलाके में। अब मतलब अली साहब ने बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए हैं। हम लोग अभी उसको मुड़ा में हैं। उसको मुड़ा एक जगह का नाम है जो राम कपूर के सरजमीन के अंदर में जो बाज़ार है वो उस्तमोड़ा कहा जाता है। उस बाज़ार को हम लोग उस्तमोड़ा में हैं। अब मतलब अली साहब जो है जिनका इंतकाल हो गया है, मिनिस्टर थे जयराम मतलब अली साहब अलहाज, 2005 में दोनों मतलब अली साहब और उनकी अहलिया दोनों ने हज किए हैं 2005 में। अल्लाह ताला हज को कबूल अता फरमाए, कबूल अता फरमाए। और इसी तरह अब मतलब अली साहब आ चुके हैं, देखिए पहले ही गाड़ी में जनाब मतलब अली साहब हैं। इनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून। देखिए ये जोर शोर से नारा लगा रहे हैं मतलब अली अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जो कि कुछ गाड़ियां जा चुकी है पुलिस प्रशासन में। देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला हमको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरह दोनों बुज़ुर्ग भी मतलब अली साहब को बहुत ज़्यादा चाहते थे। शेर ओडिशा हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कटकी रहमतुल्लाह अलैह और बुलबुल ओडिशा हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस्सादीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बुज़ुर्ग बहुत चाहते थे क्योंकि मतलब अली साहब ने बहुत सारा खिदमत अंजाम दिए हैं। मदरसा, मस्जिद, स्कूल और रास्ता, पुल, ब्रिज वगैरह तमामों का जो है ख्याल रखते हुए बहुत सारा खिदमत अंजाम दिए हैं। इसी तरह अभी सलामी पेश कर रहे हैं पुलिस वाले। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पुलिस वाले सलामी पेश कर रहे हैं। इसी तरह मतलब अली साहब ने बहुत सा खिदमत अंजाम दिए हैं। इसी तरह गरीबों की खिदमत और बीमारों की इयादत में भी जाया करते थे जनाब मतलब अली साहब। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो या वली हो या कुतुब हो या अब्दाल। इसी तरह उनके चाहने वाले कांग्रेस नेता ने महंगा इलाका एयरकोड़ा में एक प्रोग्राम रखे हैं ताज़ियत के सिलसिले में। मतलब अली साहब ने मुसलमान और हिंदू का भेदभाव न करते हुए ऐसा मोहब्बत अंजाम दिए हैं जो कि हिंदू भी रो रहे हैं, मुसलमान भी रो रहे हैं, उनके लिए सारा जहां रो रहा है जनाब मतलब अली साहब के लिए। ये हिंदू ये चाहते हैं कि उनके अपने भगवान जो अल्लाह जो हैं उनको प्रार्थना करते हुए, उनको याद करते हुए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इसी तरह वो फरमाते हैं कि एक स्वर्ग है, एक नर्क है। स्वर्ग माने जन्नत और नर्क माने जहन्नम के आता है। ये स्वर्ग को पहुँचाने के लिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं जनाब मतलब अली के फ़ोटो में हार लटकाते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। ये एयरकोड़ा महंगा इलाके में एक प्रोग्राम हुई है जो 29 सितंबर 2020 में ये तमाम लोग मतलब अली का फ़ोटो रखते हुए, गुरु मानते हुए उनका फ़ोटो को पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और गले में हार डालकर पूजा पाठ कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला
उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह जो भी मेरे चैनल को एमटी मीडिया उड़ीसा को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अल्लाह ताला एमटी मीडिया को कबूल अता फरमाए और हर दम आपके साथ में एमटी मीडिया उड़ीसा है। इसी तरह नई नई खबरें देखने के लिए, नई नई नात, नई नई तकरीर, नई नई तिलावत सुनने के लिए एमटी मीडिया उड़ीसा को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।